सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर FBH चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं। तो वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। आज की वीडियो का टॉपिक है फाउंडेशन एंड टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या होती है दोस्तों? फाउंडेशन जो भी हम किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है उसके नीचे जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको ही फाउंडेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि एनलार्जमेंट ऑफ बेस ऑफ कॉलम्स एंड वॉल फॉर ट्रांसमिटिंग लोड टू सब सॉइल इज कॉल्ड फाउंडेशन। जो हम कॉलम या किसी वॉल के नीचे जो बेस को एनलार्ज करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि वो लोड जो ऊपर से स्ट्रक्चर का लोड आएगा वो ट्रांसफर हो जाए, उसी को कहते हैं दोस्तों फाउंडेशन। तो फाउंडेशन होती है टू टाइप्स की मेनली। एक होता है शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था टर्जेगी। तो उनने क्या कहा, अगर किसी फाउंडेशन की डेप्थ इक्वल होगी या लेस देन होगी विड्थ के, फाउंडेशन की जो डेप्थ है गहराई वो विड्थ के इक्वल होगी या इससे विड्थ से लेस होगी, तो उसको कहेंगे हम शैलो फाउंडेशन। अगर यही डेप्थ हमारी ज्यादा होगी विड्थ से तो उसको कहेंगे हम डीप फाउंडेशन। और शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में क्या फर्क है एक और, कि शैलो फाउंडेशन वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारी अपर सॉइल जो है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो, उसमें ज्यादा बियरिंग कैपेसिटी हो सॉइल में। और डीप फाउंडेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है जहां अपर सॉइल में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ना हो, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो। तो पहले हम डिस्कस करते हैं शैलो फाउंडेशन की टाइप्स। तो शैलो फाउंडेशन में दोस्तों आती है 5 टाइप्स। पहली टाइप है इसमें स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग क्या है, इसको कहते हैं ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन है। जो भी किसी भी सिंपल कॉलम के नीचे आपने फाउंडेशन देखी है, एक कॉलम के नीचे जो फुटिंग बनती है उसको हम स्प्रेड फुटिंग कहते हैं। इट ट्रांसफर्स लोड ऑफ आइसोलेटेड कॉलम्स और वॉल्स टू सब सॉइल। जो आइसोलेटेड कॉलम्स होते हैं, अकेला अकेला कॉलम कहीं पे होता है, उसका लोड हमें ट्रांसफर करना होता है सब सॉइल में, तो वहां पे हम स्प्रेड फुटिंग यूज करते हैं। तो स्प्रेड फुटिंग की एक ये दिखाता हूं मैं आपको, ऐसे टाइप की जो फुटिंग्स होती है इनको हम स्प्रेड फुटिंग कहते हैं। यहाँ पे ये कॉलम है, कॉलम से लोड ट्रांसफर होता है इसमें, ये स्प्रेड हुआ पूरे एरिया में, तो इस टाइप ऑफ फुटिंग को दोस्तों हम कहते हैं स्प्रेड फुटिंग। उसके बाद आती है दूसरी फुटिंग दोस्तों, उसको कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है, ये क्या करती है, दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को सपोर्ट करती है। अगर आपने कहीं पे फुटिंग देखी जिसमें दो कॉलम्स का एक साथ फुटिंग बना हुआ हो तो उसको कहते हैं दोस्तों कंबाइंड फुटिंग। इट मे बी रेक्टेंगुलर और ट्रिपिजॉइडल इन शेप। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रिपिज्म वाली शेप में भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा वो, रेक्टेंगुलर तब होगी ये जब दोनों कॉलम की लोड बियरिंग कैपेसिटी सेम हो। अब अगर हमारे पास एक कॉलम बड़ा है उसके लिए ज़्यादा बड़ी फुटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दूसरा छोटा है तो उसके लिए कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये ट्रिपीजियम के शेप का बनेगा। ऐसे मतलब यहाँ बड़ा कॉलम है, यहाँ पे छोटा कॉलम है, तो हमने फुटिंग ऐसे बनाई तो ये ट्रिपीजियम के शेप की बनेगी। अगर एक जैसे है तो सेम बनेगी। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये वाली जो फुटिंग है दोस्तों ये प्रेफर की जाती है उस टाइम पे जब दोनों कॉलम एक दूसरे के नज़दीक हो, एक दूसरे के नज़दीक होंगे कॉलम तभी हम उनको क्या कॉलम्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, कंबाइंड फुटिंग। ये जो है ये चीज़ है कंबाइंड फुटिंग और ये है कॉलम दो बस। इसके बाद अगली टाइप जो है दोस्तों इसकी वो है स्प्रिट फुटिंग। स्प्रिट फुटिंग इज प्रोवाइडेड फॉर लोड बियरिंग वॉल्स और रो ऑफ कॉलम्स क्लोजली स्पेस्ड, ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस फुटिंग। तो आपको यहाँ पे क्या समझ आया, स्प्रेड फुटिंग जो है ये एक ऐसी टाइप की फुटिंग है जो लोड बियरिंग वॉल्स के नीचे लगाई जाती है। लोड बियरिंग वॉल्स कौन सी होती है दोस्तों, लोड बियरिंग वॉल्स होती है हमारी ऐसी वॉल्स जिनके ऊपर लोड ज़्यादा लगता है और वो उनका कॉलम वगैरह नहीं है, बीम वगैरह नहीं है, तो वो खुद ही अपना लोड नीचे ट्रांसफ़र करती है। या अगर एक रो ऑफ कॉलम 5-6 कॉलम एक ही लाइन में है उनके नीचे हम ये वाली फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, ये एक वॉल है जो लोड बियरिंग वॉल है, इसके नीचे जो ये फुटिंग हमने प्रोवाइड की है इसको कहेंगे हम स्ट्रिप फुटिंग। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा
अगला टॉपिक, इसमें अगला टाइप जो है स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग्स ऑफ टू कॉलम्स कनेक्टेड बाय बीम और स्ट्रैप। इसमें क्या होता है, दो आइसोलेटेड फुटिंग होती है, मतलब ऐसे एक कॉलम की फुटिंग यहां पे है, दूसरे कॉलम की फुटिंग यहां पे है, तो ऐसे टाइप की फुटिंग होगी दोस्तों ये, और उनको कंबाइन करता है एक बीम या स्ट्रैप, STRAP, इसको कहते हैं स्ट्रैप, जो इन दोनों को कंबाइन करता है, उस टाइप की फुटिंग को क्या कहते हैं हम, स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप कनेक्ट्स टू फुटिंग सच दैट दे एक्ट एज ए सिंगल यूनिट। ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रैप या ये बीम, ताकि ये एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करे, सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करे ये दोनों कॉलम की फुटिंग्स। तो ये मोर इकोनॉमिकल है देन कंबाइंड फुटिंग। अगर हम कंबाइंड फुटिंग और इसकी तुलना करें आपस में, तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल चीज है। तो इसकी डायग्राम एक मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये देखिए, अगर ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये इसकी फुटिंग है और ये इस वाले कॉलम की फुटिंग है। अगर इन दोनों के बीच में एक बीम इन दोनों को कनेक्ट करती है, उसी बीम को कहते हैं स्ट्रैप या स्ट्रैप बीम, और इनको ये है दो कॉलम्स, ये इन दोनों कॉलम्स की फुटिंग्स। इस टाइप ऑफ फाउंडेशन को क्या कहते हैं हम, स्ट्रैप फाउंडेशन। और अगला फाउंडेशन आता है दोस्तों मैट और राफ्ट फाउंडेशन। मैट और राफ्ट फाउंडेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले टाइप ऑफ फाउंडेशन है सिंपल फुटिंग में से, फुटिंग्स में से, यानी कि शैलो फाउंडेशन में से। इट इज ए कंबाइंड फुटिंग ऑफ होल बिल्डिंग और होल एरिया अंडर द स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसके पूरे एरिया को, उसके अंडर जो पूरा एरिया है उसके ऊपर जो अगर हम फुटिंग बनाते हैं, पूरे एरिया में फुटिंग बनाते हैं, तो उस टाइप ऑफ फुटिंग को दोस्तों कहते हैं हम मैट और राफ्ट फुटिंग। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लो। ये उस टाइप, उस जगह पे प्रोवाइड की जाती है जहां पे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी, सहनशीलता सॉइल की कम हो, तो वहां पे हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है कौन से वाले टाइप की फुटिंग, हमारी राफ्ट फुटिंग या मैट फुटिंग। और कहां पे प्रोवाइड की जाती है, बिल्डिंग लोड इज हैवी। अगर कहीं पे हमने बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई, हैवी लोड वाली बिल्डिंग, वहां पे भी ये हम प्रोवाइड करते हैं। और सब सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल, जो नीचे जमीन है बिल्डिंग के नीचे वो कंप्रेसिबल है, मतलब उसके ऊपर लोड लग रहा है तो वो कंप्रेस हो जाती है, उस टाइप पे भी हम कौन से वाले टाइप की फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, राफ्ट फुटिंग। तो राफ्ट फुटिंग को आप देख सकते हैं, ये कॉलम्स है किसी एक पूरी बिल्डिंग के, और ये इनके नीचे, इन सब कॉलम्स के नीचे ये फुटिंग प्रोवाइड करी हुई है, एक ही मिला के फुटिंग। इसी को ये एक मैट की तरह एक्ट करती है, और इसको कहते हैं या तो मैट फुटिंग या राफ्ट फाउंडेशन भी कह सकते हैं हम इसको। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों डीप फाउंडेशन। ये तो थे टाइप्स किसके, शैलो फाउंडेशन के। अब हमारे पास आएगा डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन कहां प्रेफर किया जाता है, प्रोवाइडेड व्हेन अपर स्ट्रेटा इज नॉट, ये नॉट है दोस्तों, नॉट कैपेबल ऑफ बियरिंग लोड। कब प्रोवाइड की जाती है डीप फाउंडेशन, जिस टाइम पे हमारे पास जो है शैलो फाउंडेशन है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हम, क्योंकि जो अपर सॉइल है, जो जमीन ऊपरी सतह है जमीन की, उसमें बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती है, वो ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकती, उस टाइम पे प्रोवाइड करते हैं। या सॉफ्ट सॉइल एग्जिस्ट नियर द ग्राउंड सरफेस, या कब प्रोवाइड करते हैं, जब नरम मिट्टी होती है ग्राउंड के सरफेस के ऊपर वाले हिस्से में, तो उस टाइम पे हम डीप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। जो डीप फाउंडेशन है दोस्तों हमारी, ये होती है तीन टाइप्स की। इसमें क्या क्या आता है, एक आता है दोस्तों पाइल फाउंडेशन, उसके बाद आता है पियर फाउंडेशन, उसके बाद आता है वेल और कैसन फाउंडेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे पाइल फाउंडेशन को। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, पाइल फाउंडेशन में पाइल्स प्रोवाइड की जाती है। तो ये पाइल्स क्या है, ये तो कंक्रीट की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, और ये पाइल्स जो है हमारी ये टिम्बर यानी कि लकड़ी की भी हो सकती है। पाइल क्या होती है, इट इज ए सिलेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर। सिलेंडर मेंबर वो मेंबर होता है जिसका डायमीटर कम हो और लंबाई ज्यादा हो, समझ गए आप, ऐसे डायमीटर कम होगा और लंबाई बहुत ज्यादा होगी, उस मेंबर को हम सिलेंडर मेंबर कहते हैं। तो जो पाइल्स होती है वो सिलेंडर मेंबर्स होते हैं, और पाइल्स आर यूजुअली ड्रिवन इन ग्रुप्स।
तो पाइल जब भी हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं, ये अकेली अकेली नहीं गाड़ते, हम एक ग्रुप में गाड़ते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे, अगर आपने देखा होगा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, या फिर हैवी ब्रिज का या फ्लाईओवर्स का, उनके नीचे जो पियर होते हैं उनके नीचे फाउंडेशन प्रोवाइड की जाती है, यही पाइल्स प्रोवाइड की जाती है। एक ही एरिया में ये तीन चार घुसाई जाती है, पाँच छः ग्रुप्स में घुसाई जाती है, ये फिर लोड को अपर स्ट्रेटा से लोअर स्ट्रेटा में ट्रांसफ़र करती है। ये इनमें क्या कौन कौन से टाइप के लोड लग सकते हैं? इनमें वर्टिकल लोड भी लग सकता है, लेटरल लोड भी लग सकता है। वर्टिकल लोड दोस्तों हो गया जो मेन लोड होता है, जो मेनली एक्ट करता है सीधा नीचे पॉइंट की तरह, और लेटरल लोड होता है जो फैलता है जमीन के नीचे नीचे, जितना हम नीचे जाएंगे उतना वो फैलता जाएगा। तो मेनली जो पाइल्स होती है दोस्तों, आपको तो पता ही है कंक्रीट की पाइल्स, ये वो टाइप्स तो आपको मैंने पहले ही बताई। तो मेनली अगर हम लोड बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो पाइल्स होती है दोस्तों दो तरह की, एक होती है एंड बियरिंग पाइल्स, दूसरी होती है फ्रिक्शन, सेकेंड फ्रिक्शन या फ्रिक्शन पाइल्स। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, अगर ये यहां पर एक कॉलम है या एक पियर है किसी फ्लाईओवर का, इसके ऊपर पाइल कैप लगती है जमीन के थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद आती है ये पाइल्स, इन पाइल्स के थ्रू लोड ट्रांसफर किया जाता है नीचे जमीन में डीप सॉइल को, जहां पे हार्ड स्ट्रेटा होगा, ऐसी मिट्टी होगी जो बहुत सख्त होगी, जो लोड को बियर कर सकती है, वहां तक ये पाइल्स घुसाई जाती है। ये तो हो गया कौन सा पाइल, बियरिंग पाइल्स, मतलब जिनमें लोड को बियर करने के लिए हार्ड स्ट्रेटा तक पाइल्स को डीप किया जाता है। दूसरी आती है फ्रिक्शन पाइल्स या स्किन फ्रिक्शन पाइल्स, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो लोड ऊपर से कॉलम का या पियर का आता है वो इस सॉइल में ट्रांसफर होता है, यहां से ये जो एरोज दिखाए हैं ये फ्रिक्शन की वजह से लोड को ट्रांसफर करते हैं जमीन में, और थोड़ा थोड़ा करके पूरा जो पाइल में लोड था वो जमीन में ट्रांसफर हो जाता है, उनको कहते हैं फ्रिक्शन पाइल्स। उसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास पियर फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन भी पाइल की तरह ही होती है, पाइल फाउंडेशन की तरह ही होती है, पर इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, ऊपर से जो कॉलम्स आते हैं वो होते हैं छोटे साइज में, और नीचे वो बड़े सर्कुलर कॉलम में अपना लोड ट्रांसफर करते हैं। दे आर ओनली मेड अप ऑफ कंक्रीट, और ये सिर्फ कंक्रीट के बने होते हैं, और ये सर्कुलर कॉलम्स होते हैं, इसमें सर्कुलर कॉलम्स जो मैंने अभी बताया आपको वो लोड को ट्रांसफर करते हैं, ये लोड को सिर्फ बियरिंग के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, मतलब सीधा इनने नीचे एक स्ट्रेटा पॉइंट पे जाते हैं वहां पे लोड ट्रांसफर करते हैं। दे डू नॉट बियर मोर हैवी लोड्स, पियर्स जो है इनमें ज्यादा हैवी लोड्स नहीं बियर कर सकते हैं, यूज्ड इन स्मॉलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में हम पियर फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स में पियर फाउंडेशन को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, ये अगर कोई पियर आ रहा है इसके थ्रू, यहाँ पे इसके थ्रू ये लोड को नीचे ट्रांसफर करते हैं बिग सर्कुलर कॉलम के थ्रू, और लोड नीचे जाता है, यहाँ तो इधर पे आपको समझ आ जाएगा, इसके थ्रू ये लोड को लोअर स्ट्रेटा में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास लास्ट वाला टाइप ऑफ फाउंडेशन, या डीप फाउंडेशन का आखिरी टाइप, जो है वेल और कैसन फाउंडेशन। इट इज प्रोवाइडेड इन हैवी स्ट्रक्चर्स वायर लोड इज टू बी ट्रांसफर्ड टू डीप स्ट्रेटा, यूजुअली यूज्ड इन ब्रिज फाउंडेशन। ये हैवी स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें प्रोवाइड की जाती है, जहां पे हमें लोड को ट्रांसफर करना होता है सीधा डीप स्ट्रेटा में, बहुत ज्यादा नीचे जमीन में लोड को ट्रांसफर करना होता है, वहां पे हम ये प्रोवाइड करते हैं, और मोस्टली हम कहाँ पे ब्रिजेस में ये प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे ब्रिजेस बनते हैं वहाँ पे हम ये वाली टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। वेल फाउंडेशन रेजिस्ट्स लार्ज लेटरल लोड्स इन केस ऑफ ब्रिज, तो ब्रिजेस में जो लार्ज लेटरल लोड्स आते हैं, साइड से लोड आते हैं, उनको भी ये सहन कर सकती है। तो पाए ये वेल फाउंडेशन किस तरह की होती है, इसकी एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे हमारी वेल फाउंडेशन होती है, ये होगा हमारे ब्रिज का कॉलम या पियर, ये पियर होगा हमारा पियर या एब्यूटमेंट, आपने सुना ही होगा ब्रिजेस में जो एंड पे जो दो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उनको एब्यूटमेंट कहते हैं, और जो बीच में होते हैं उनको पायर्स या पियर्स बोलते हैं हम। तो उसके ऊपर एक आरसीसी स्लैब लगती है, उसके नीचे फिर ये बन जाता है वेल, एक सर्कुलर वेल, जिसका आउटर डाया ये है, इनर डाया ये है, अंदर इसकी सैंड फिलिंग हो जाती है,
और नीचे यहाँ पे इनमें ये तिरछे नोकीले वाले ये जो कटिंग्स इसकी होती है क्रैप कहते हैं इसको क्रैप, तो ये नोकीले होते हैं ताकि ये सॉइल के अंदर घुस जाए और इस तरह से ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं। इसका अंदर वाला हिस्सा सैंड फिलिंग की जाती है उसमें, यहाँ से लोड ट्रांसफ़र होता है, इनके थ्रू लोड नीचे आता है और आधा लोड सैंड के थ्रू भी नीचे ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये मोस्टली कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बड़े बड़े जो ब्रिज हमारे बनते हैं उनमें हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों वेल या कैसन फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फाउंडेशन के बारे में इतना ही है हमारे पास अभी फ़िलहाल। अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूं इन ऐसे टॉपिक्स पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए किस किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।